और अगर आप नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो मारुति ने इग्निस को लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, 2016 में नोएडा ऑटो एक्सपो में इसका कॉन्सेप्ट शोकेस किया गया था और अब नेक्सा शोरूम्स में इसकी बिक्री शुरू हो जाएगी। तो टेस्ट ड्राइव पर जाने से पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए और जानिए क्या कुछ खास है इग्निस में। मारुति की मोस्ट अवेटेड कार इग्निस आज से बिकने के लिए तैयार है। एस क्रॉस और विटारा ब्रेजा के बाद ये मारुति की तीसरी क्रॉसओवर है। इसे बलेनो के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। नेक्सा शोरूम से 11,000 रुपए बुकिंग अमाउंट देकर इसे आप बुक करा सकते हैं। मारुति ने इसे युवाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है। एग्रेसिव क्रोम फिनिश्ड फ्रंट ग्रिल, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और एलईडी डीआरएल से इस कार को स्पोर्टी लुक देने की कोशिश की गई है। हालांकि जितना ध्यान इसके लुक पर दिया गया है, डुअल एयरबैग्स और एबीएस के जरिए सेफ्टी पर भी उतना ही जोर दिया गया है। इस कार में ऑटो गियर शिफ्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। एंटरटेनमेंट के लिए टच स्क्रीन स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट होगा। इसमें आप एप्पल कारप्ले और मारुति सुजुकी की पहली कार है जिसमें एंड्रॉइड ऑटो फीचर का मजा ले सकते हैं। इग्निस में पेट्रोल और डीजल दोनों ही विकल्प होंगे। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन आपको 84 BHP की पावर देगा जबकि 1.3 लीटर डीजल इंजन 74 BHP की पावर देगा। दोनों इंजन में 5 स्पीड मैनुअल होंगे। इसके 4 वेरिएंट होंगे, सिग्मा, डेल्टा, जीटा और अल्फा। इग्निस में ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन यानी AMT का ऑप्शन भी होगा जो आपको पेट्रोल के डेल्टा और जीटा वेरिएंट्स में मिलेगा। नए साल के इस पहले लॉन्च से मारुति को उम्मीद है कि कंपनी की क्रॉसओवर सेगमेंट में पकड़ मजबूत होगी और लोगों को एक नई शान की सवारी मिलेगी। दिनेश शर्मा, जी मीडिया। और देखिए, मारुति इग्निस का लुक, इंटीरियर, एक्सटीरियर आप जरूर ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे, तो दिनेश आपको बता रहे हैं कि कैसा है लुक एंड फील इस गाड़ी का। मारुति ने अपनी मच अवेटेड कार मारुति इग्निस को भारतीय मार्केट में उतार दिया है। जी हाँ, यही है वो गाड़ी जिसके बारे में काफी समय से बस क्रिएट हुआ था। और आप देख सकते हैं ये 2 वेरिएंट्स में आएगा, 2 इंजन ऑप्शंस में आएगा, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.3 लीटर डीजल इंजन के साथ। ये आपके लिए बहुत मारुति ने इसमें बिल्कुल नया इंजन दिया है। ओवरऑल काफी अच्छी लगती है और कॉम्पैक्ट गाड़ी है। ये देखने में गाड़ी काफी छोटी और कॉम्पैक्ट लगती है, लेकिन मारुति का कहना है कि इसके अंदर से काफी स्पेशियस है। काफी शार्प एजेस दिए गए हैं, थोड़ा यूथफुल इस गाड़ी को बनाया गया है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें ये SUV इंस्पायर्ड गाड़ी भी लगती है। हम इसके अगर रियर सीट पे बैठ के देखें तो आपको दिखता है कि काफी स्पेशियस गाड़ी है। इसमें मुझ जैसा लंबा आदमी भी इसमें आराम से बैठ सकता है, कंफर्टेबल है। एंड एट द सेम टाइम इसके डुअल टोन इंटीरियर्स दिए गए हैं, इसमें बेज एंड ब्लैक कलर का दिया गया है। तो वहीं इसके अगर हम ड्राइविंग सीट पर बैठें तो आपको दिखता है डुअल टोन। ये देखिए, डुअल टोन इसमें इंटीरियर्स दिए गए हैं, बहुत रिफ्रेशिंग और बहुत यूथफुल है। तो वहीं इसका स्पीडोमीटर आपको काफी नया लगेगा, बहुत डिफरेंट लगेगा बाकी गाड़ियों से, क्योंकि मारुति का कहना है कि EDM इंस्पायर्ड इसका स्पीडोमीटर बनाया गया है। तो वहीं AC वेंट्स भी थोड़े नए डिजाइन में दिए गए हैं और स्पेशली यूथ को ध्यान में रखते हुए, एंटरटेनमेंट को ध्यान में रखते हुए मारुति ने इसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड जैसे डिवाइसेस को पेयर करने की ऑप्शन दी है, जिससे आप अपना मनपसंद के गाने इसमें अपने स्मार्टफोन के साथ प्ले कर सकते हैं। तो डैशबोर्ड देखिए, बहुत ही नया और बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया गया है। और जैसे कि बाकी नेक्सा शोरूम में हमने गाड़ियां देखी हैं, वो सारी गाड़ियों की तरह ये गाड़ी भी एयरबैग्स के साथ आती है, जिसका मतलब कि सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा गया है। भले आपके पास अगर बेसिक वेरिएंट की गाड़ी भी हो, तब भी आप इस गाड़ी में आपको सारे सिक्योरिटी फीचर्स मिलते हैं। तो वहीं अगर हम इसकी बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो बूट स्पेस इसमें 260 लीटर का दिया गया है और देख सकते हैं आप। और साथ में आपको यहाँ पे इसमें एक बहुत स्मार्टली एक लाइट दी गई है, जिससे कि अगर आपको रात को कुछ लगेज वगैरह, कुछ सामान रखना है या निकालना है, तो आपको रात को तंग या कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए इसमें नया एक लाइट दी गई है। तो
आप इसकी साइड प्रोफाइलिंग, अगर आप साइड प्रोफाइल देखें इस गाड़ी का, तो बहुत यूनिक लगती है डिजाइन वाइज और बहुत यूथफुल लगती है। और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि काफी अच्छी गाड़ी बनाई गई है और इसका स्टार्टिंग प्राइस होता है 4,59,000 से। तो 4,59,000 इसकी शुरुआती कीमत है। पेट्रोल और डीजल दो वेरिएंट्स में आपको इग्निस यहां पर मिल जाएगी। और जाहिर तौर पर अब इस गाड़ी का जो कंपैरिजन है वो यहां पर किया जाएगा KUV100 के साथ। तो जाहिर तौर पर अब आप ये जानना चाहेंगे कि कैसे ये दोनों गाड़ियां अलग है। तो चलिए आपको दोनों के बीच क्या कुछ फर्क है फीचर्स का वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो शुरुआती कीमत जो इग्निस की है वो यहाँ KUV100 से करीब करीब 11,000 रुपए कम है। तो आपको सबसे पहली बचत तो पैसे के रूप में यहां पर हो जाती है। पेट्रोल और डीजल दोनों गाड़ियां इन दोनों में यहां पर अवेलेबल है, तो इसका कुछ खास फर्क यहां पर नहीं पड़ रहा है। इग्निस भी आपको पेट्रोल और डीजल में मिलेगी, वहीं KUV 100 भी 20 किलोमीटर प्रति लीटर की एवरेज का दावा कंपनी यहां पर कर रही है और ये गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति लीटर की एवरेज यहां पर देती है। माइलेज की बात हम अगर डीजल में करें तो यहां 26 किलोमीटर प्रति लीटर कंपनी का दावा है कि इतनी माइलेज इग्निस आपको देगी। वहीं क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर इग्निस में है लेकिन KUV 100 में आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। ABS स्टैंडर्ड यस Ignis has that feature, but KUV 100 doesn't have that feature. Dual airbags, both the cars have dual airbags, यानी कि सेफ्टी को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। फिर चाहे Ignis हो या फिर KUV 100 ऑडियो सिस्टम, आपको Ignis में टच स्क्रीन मिलेगा लेकिन इस गाड़ी में टच स्क्रीन आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। बूट स्पेस कहीं ज्यादा है, 260 लीटर का बूट स्पेस Ignis में मिलेगा लेकिन KUV 100 में ये काफी छोटा है, 243 लीटर का बूट स्पेस यहां पर इस गाड़ी में। तो ये कंपैरिजन हमने आपको इन दोनों गाड़ियों में यहां पर बता दिया है। तो इग्निस मारुति की वो मच अवेटेड कार है जिसका इंतजार बहुत दिनों से सभी लोग कर रहे थे। हम आपको ये भी बता दें कि ये गाड़ी नेक्सा शोरूम्स पर ही अब मिलेगी आपको। और मारुति की इग्निस जी हाँ आज जो लॉन्च हो गई है, ये गाड़ी बड़ी उम्मीदें हैं यंग जनरेशन को देखते हुए। इस गाड़ी को काफ़ी अट्रैक्टिव लुक भी दिया गया है और मारुति सुजुकी के ईडी रणधीर सिंह इस पर क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। आज है हम यहाँ पे इग्निस के लॉन्च पे और हमारे साथ हैं मिस्टर RS कल्सी। आइए उनसे जानते हैं इस गाड़ी के बारे में। Sir, congratulations first of all on the launch of this car. Thank you. So, sir, could you please tell us about Maruti Suzuki Ignis that has launched? We have launched Ignis today, and this car, you know, has a tagline that none of a kind. ये एक unique design है गाड़ी का, और हम लोगों ने हमारी जो millennial generation है, हमारी युवा पीढ़ी के वो लोग जो 1988 के बाद जिनका बर्थ हुआ है, तो उनके लिए ये गाड़ी डिजाइन की गई है। अब इस युवा पीढ़ी के कुछ खास करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये लोग अलग तरह के टेस्ट रखते हैं, ये लोग जो है नई नई गैजेट्स यूज करते हैं, कॉस्टली गैजेट्स यूज करते हैं और साथ में जो इनको चाहिए वो लोग ये लेकर हटते हैं। और उनके फेवरेट अगर टॉयज की बात करें तो नॉर्मली आईपैड होता है या स्मार्टफोन होता है। तो ये इस जनरेशन को सामने रखते हुए हम लोगों ने इनके लिए ये यूनिक कार डिजाइन की है और हमें बहुत उम्मीद है कि ये कार इनको पसंद आएगी। सर, आपने जैसा अभी कहा कि ये गाड़ी मिलेनियल्स के लिए है, सो बेसिकली यंग जनरेशन के लिए, तो आप क्या वॉल्यूम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि जो यंग जनरेशन है इस गाड़ी को कैसे परसीव करेंगी? हमारे देश की अगर हम जनसंख्या की बात करें तो तकरीबन 64% लोग 2020 तक 20 और 34 वर्ष की एज ग्रुप में रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ भी है हमारी कंट्री की। और इस जनरेशन को जो आइटम पसंद आती है उसके अंदर वॉल्यूम फिर अपने आप आते हैं। और हमने इस जनरेशन के लोग जो पैम्परिंग चाहते हैं, हॉस्पिटैलिटी चाहते हैं जब वो गाड़ी खरीदने आते हैं, तो और डिजिटल एक्सपीरियंस चाहते हैं, उस सबको देखते हुए इस गाड़ी को हमने नेक्सा चैनल में पोजीशन किया है। और मुझे उम्मीद है कि इस जनरेशन के लोगों को ये गाड़ी बहुत पसंद आएगी।